आरा बार एसोसिएशन के द्विवर्षीय 2024-26 सत्र में अध्यक्ष पद पर राकेश कुमार मिश्रा फिर जीत गए। अध्यक्ष पद के लिए 4 अधिवक्ता प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें राकेश कुमार मिश्रा को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुआ। आपको बता दें, पिछले सत्र के चुनाव में भी राकेश कुमार मिश्रा ही जीते थे और अब की बार भी अपने प्रतिद्वंदी अधिवक्ता मनलाल सिंह को 4 वोट से पराजित कर आरा बार एसोसिएशन पर पुनः विजयी घोषित हुए। आपको बताते चले, आरा बार एसोसिएशन के कुल 1504 अधिवक्ता वोटर थे, जिनमें राकेश कुमार मिश्रा को सबसे ज्यादा मत 544 मिला। दूसरे नंबर पर मनलाल सिंह थे, जिनके कुल वोट 540 मिला। जीत के बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि हमारी जीत नहीं बल्कि अधिवक्ताओं के विश्वास की जीत है। पिछले सत्र में मैंने जिस तरीके से ईमानदारी से कार्य किया, उसमें बार एसोसिएशन के सदस्यों ने हम पर विश्वास बनाया और उनका परिणाम जीत सुनिश्चित हुआ। पिछले 22-24 सत्र में 22 लाख रुपए बार एसोसिएशन में जमा कराने की बात कहते हुए कहे कि आगामी सत्र में वे 1 करोड़ रुपया का बार एसोसिएशन में जमा कराने का प्रयास रहेगा। आइए सुनते हैं क्या कहे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा। पिछले साल भी आपने जीत हासिल किया था, इस साल भी आपने जीत हासिल किया, क्या कहेंगे, क्यों अधिवक्ता आपकी तरफ रुझान ले रहे हैं? ये दोनों, पिछले बार की जीत जो थी ये जीत और इस बार की जो जीत मिले ये जीत निर्णायक जीत है। इस जीत से आरा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के कल्याण का रास्ता प्रशस्त होने जा रहा है। बहुत सारे बाधाओं को पार करते हुए हमारे सारे अधिवक्ता गण के ये प्रयास का नतीजा है कि इस पूरा का पूरा बार एसोसिएशन एक ईमानदार और बेदाग छवि वाले हमारे जैसे प्रतिनिधि को हराने के लिए यहाँ के जितने सीनियर लॉयर हैं सब एकजुट हो गए थे और उन्होंने एकजुट होकर के जितने 50 साल और 40 साल के ऊपर के हमारे यहाँ विद्वान अधिवक्ता हैं, सीनियर लॉयर हैं, उन सभी ने एक ईमानदार छवि वाले व्यक्ति को हराने का प्रयास किया। और सिर्फ इसलिए प्रयास किया कि वो चाहते थे कि बार एसोसिएशन की प्रगति में उन लोगों के मन चाहे नुमाइंदे जो उनके इशारे पर काम करें और लूट खसोट की इस दुनिया को आगे बढ़ाते रहें, वो लोग जीत करके आए, उनकी पराजय हुई है। और ये चार वोट की जीत नहीं है, ये 400 वोटों की जीत है और ये सारे अधिवक्ताओं की जीत है। इसको इस रूप में लिया जाए कि आरा बार एसोसिएशन के उज्जवल भविष्य के लिए सारे अधिवक्ताओं ने मिलकर के इतना प्रयास करके हमको जिताने का काम किया है। मैं सारे अधिवक्ताओं के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने हमें इस पद पर पहुँचाया है। मैं उनका जितना भी उनके कल्याण के लिए काम होगा वो मैं करूँगा। और पिछले सत्र में मैंने 22 लाख रुपया इकट्ठा करके 2 साल में दिया है। इसके पहले जितने भी कार्यकाल 20 साल से हुए हैं वो करीब करीब 0 बैलेंस दे करके जा रहे थे। इस बार 22 लाख रुपए का बैलेंस हुआ है और आने वाले समय में मैं अपने कार्यकाल में 1 करोड़ रुपया का बैलेंस दूंगा और पूरे बार को एसी सेंट्रलाइज कराऊंगा और बैठने के लिए जितना टेबल कुर्सी है सबको बिल्कुल रिन्यूअल करा करके बढ़िया कराऊंगा। और जो हमारे साथी किसी दुख दर्द में बीमारी में पड़े हैं उनको एक मुफ्त राशि देने का भी प्रबंध हम करेंगे। और ये जो 20,000 रुपये वाला जो ये मृत्यु अनुदान चल रहा है, इस राशि को हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं आगे के समय में। आपके कार्यकाल के पहले बार एसोसिएशन में बहुत सारे भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही थी, लगातार भ्रष्टाचार हुआ था, कई लोग उसमें शामिल भी थे, उजागर भी हुआ, मामला भी दर्ज हुआ। हाँ, इसके पहले उस संदर्भ में आपने क्या किया? इसके पहले कई एक बार यहाँ पर इस तरह से जो लूट खसोट होता था उसके संबंध में एक जांच समिति बनी थी और जांच समिति के सिफारिश पर यहाँ पर पूर्व के जो कार्यकारिणी के लोग थे उनके विरुद्ध में FIR भी हुआ था और वो सारा मामला अभी न्यायालय में लंबित है। उस विषय में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग राशि का गबन किए हैं वे आरोपित हैं और उन लोगों का जो यहाँ पर कृत्य है वो सब हमारे अधिवक्तागण जानते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे लोगों को से एसोसिएशन को बचा करके और आगे निकालें।